A day after a whistleblower testified and revealed that hundreds of people were murdered by DERA chief Gurmeet Singh, Times Now has accessed documents that corroborate how DERA members were made to sign affidavits, virtually signing away their lives. Times Now has accessed at least three such chilling affidavits, and it's a shocking document trail accessed by your channel. But before we show you that, let's play the testimony of Bian Singh, the DERA insider, who revealed how hundreds of people were murdered by the DERA and their bodies disposed of inside the DERA premises. दोस्तों, इसने पहला मर्डर किया था फकीर चंद का. फकीर चंद का पहला मर्डर, जब ये गद्दी पे आया, फकीर चंद का मर्डर किया और पूरी तरह से उनका मर्डर करवा के इसने और उसकी डेड बॉडी को ख़त्म करवाया था. दोस्तों, ये एक अकेला फ़कीर चंद नहीं है, उसके अलावा उन्होंने हजारों सैकड़ों के करीब मर्डर किए हुए हैं. सो दोस्तों, पहले ये पाखड़ा नदी में फेंकते थे और उसके बाद फिर डेरे में लकड़े रख के और कोई कभी किसी को हाथ जोड़ के ऐसे बैठा देते कि ये आदमी तो जी हमारा बाबा बोलता कि हमारा नाम जपता जपता ये सचखंड में चला गया, स्वर्गों में चला गया और मर गया. ये नहीं पता होता उसके गर्दन दबा के मारा इन्होंने रात को. सो उसका फिर अर्ली मॉर्निंग पे संस्कार किया जाता है. जो उसकी हड्डियां होती थी, जो पीछे इनको बेलियों का बाग था, उसके आसपास की जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन में फेंकी जाती थी, दफनाई जाती थी उनकी हड्डियां. और उसकी इतनी हड्डियां ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद इन्होंने अब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया कि एफिडेविट दो, जिस जो आदमी मरेगा और मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो डेरे को दान की जाएगी और डेरे में उसकी एक्सपेरिमेंट करने हैं. और इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी हड्डियां उन्हीं में मिला रहे हैं जो पहले मर्डर किए हुए हैं. उसकी हड्डियां ज़मीन में से वो चुगनी बहुत औखी है, इतनी ज़्यादा थी, लेकिन उन्हीं में से ये कहती हैं कि यहाँ पर अभी. लेकिन ये बात मैं पहले भी मीडिया पर बताई थी और शायद इंडिया में पूरे भारत को इसमें टाइम्स नाउ के जरिए बतानी चाहता हूँ कि अगर आज भी उनके वो ज़मीन पर जाके देखें तो हो सकता है हड्डियाँ मिले. और उन हड्डियों को लुकाने के लिए इन्होंने ये नए जो लोगों को एफिडेविट बनवाए हैं इन्होंने कि आप मरेंगे भाई, आपकी डेड बॉडी हमारे को दान चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने हैं. लेकिन उनकी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये उनकी हड्डियाँ उन्हीं में मिला देते हैं कि जब कोई फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो भी बोलेगा कि ये तो वो है जी, हमारे लोग हम ये एफिडेविट दिए थे इन्होंने तो. And now the exclusive news break. We will tell you how DERA members were made to sign their own death warrants. And what do these death bonds, these death warrants say? Let's go across to Vivek, who's joining us from the news. Information on that. Well, this is what the DERA calls a halafnamiya bayan, or a statement which has been signed with their own. They are aware of what is written on the paper. It has stamp papers on it. It is signed as an affidavit given indemnity, complete indemnity to DERA Sacha Sauda in case a person goes there, joins there, becomes a part of DERA, and if he dies or there is a loss of limb or life, the DERA will not be held responsible. Now this is a document which every person who gets into the DERA is supposed to sign. I have with me in my hands this Halafia Bayan, which every DERA inmates has to sign. I'll just read out one. This of course has been signed by one individual who is a son of Jagat Singh. He's saying ये कि दरबार डेरा सच्चा सौदा की ओर से मानवता की सेवा के प्रति चलाई गई मुहिम में मैं अपने आप को पूरी खुशी के साथ अपनी मर्जी से समर्पित करती हूँ. ये है कि कहीं भी सच्चा सौदा की रहनुमाई में मानवता की सेवा में गोज ऑन टू ऐड ऑन हाउ दे आर गो अबाउट डूइंग ह्यूमन राइट्स वर्क एंड सोशल वर्क. ये कि किसी भी सेवा में अगर किसी हादसे में मेरी लापरवाही या किसी भी कारण से मेरी मौत हो जाती है तो उसमें मैं खुद जिम्मेदार होंगी, इसमें किसी और की जिम्मेदारी नहीं है. और सच्चा सौदा संस्थान
जिम्मेवार नहीं होगा. सो दिस इज अ बॉन्ड विच गिव्स कंप्लीट इंडेमनिटी टू डेरा सच्चा सौदा एंड इट्स चीफ राम रहीम फ्रॉम एनी लॉस ऑफ लाइफ और लिम्ब ऑफ एन इनमेट. नाउ दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेथ वॉरंट साइन बाय एनी इनमेट हु गोज इन एंड जॉइंस दैट. नाउ दिस इज जस्ट वन परफॉर्मर दैट आई हैव विथ मी. देर आर टू स्टैम्प पेपर्स. दिस इज टू एंड वन एंड इट इज साइन बाय वेरियस इंडिविजुअल्स. आई डू नॉट नो. I seriously do not think this has any legal validity. Now, this probably was used as a means by the DERA to tell the inmates that whatever happens to you, you've already signed an affidavit. We are nowhere responsible. This was used perhaps at a later date to threaten any of the inmates who had left. Now, let me look at the second Halafia Bayan. This is another statement which, of course, is given by another inmate. In this case, this is Preet Sagar, a female inmate of Dera Sacha Sauda, another performer. Here again, it has stamp paper on it. It has been attested by a lawyer here. Well, this is the second set, which again has the same kind of detailing. It goes on to say ki meri blood group is A B positive. I'm an 8th standard pass, and the date is 18/10/2015. Again, look at the point number 3. Ye hai ki kab kisi bhi seva mein अगर किसी हादसे में मेरी लापरवाही या किसी अन्य कारण से मेरी मौत हो जाने ती है तो उसमें मैं खुद जिम्मेदार हूं. इसे किसी भी कोई और जिम्मेदार नहीं है. नाउ दिस एसेंशियली इज द जिस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट द डेरा. एसेंशियली एवरी इनमेट हु गोज इन gives an indemnity bought to Dera Sacha Sauda. Whatever happens to him or her is not the Dera's responsibility.